तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप भी इस तरह के वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो की स्किप मत करना, वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में आपको इस तरह के वीडियो एडिट करना सिखा दिया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। इसके लिए आपको लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो फाइनली हमें लाइट मोशन ऐप को चालू करते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट खुल जाएगा, उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है इसे खुलने के बाद। उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो भी वीडियो का आप एडिट करना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। नीचे उधर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद RGB इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। बी वाला लाइन में आपको अच्छी तरह से दिखा दे रहे हैं, इसको जी पर क्लिक करना है। जी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। आपको बता दे रहे कहाँ पर क्लिक करना, वीडियो को अच्छी तरह से बताया जा रहा है। अब वीडियो का एंड तक देखना। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद कलर स्लाइड पे क्लिक करना है। फर्स्ट में आपको दिख रहा है कलर स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको नीचे आना है, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको 20 कर देंगे, 20%। इसको 150 कर देंगे। आप चाहें कितना भी कर सकते हैं, वीडियो के हिसाब से आप कर सकते हैं। क्या करने के बाद वीडियो पे टच कर देना। उसके बाद फाइनली आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है, चरकुट्टा पर, इसको पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कलर इज लाइट पर क्लिक करना है। फाइल कलर इज फाइल पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है, लास्ट वाला इस कलर पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको जूम कर देना, वीडियो पूरा जूम कर देना। उसके बाद ब्लेंडिंग इज ओपेसिटी की पर क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग इज ओपेसिटी पर क्लिक करके नीचे डिफरेंस पर क्लिक कर देना है। डिफरेंस पर क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है, तीन नंबर में। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से बैक आएंगे, उसके बाद यहाँ पे से बैक करेंगे। उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। नीचे ऑर्डर पे आएंगे, ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद कॉपी बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तीन नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक किए, कॉपी बैकग्राउंड तीन नंबर में है। उसको एक बार स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक कर देना है। स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करना है, कॉपी बैकग्राउंड हाँ इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करना है, इस जगह पर क्लिक किए, ऐड इफेक्ट पर इसके बाद क्लिक कर देना है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद ब्लर पर क्लिक कर देना है। ब्लर पर क्लिक किए, यहाँ पे तीन नंबर पे दिखा रहा होगा ये वाला ब्लर, सिर्फ ब्लर पर क्लिक कर देना। आपको दिखा रहा है अच्छी तरह, वीडियो दिखा रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फिर से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद कलर्स इज लाइट पर क्लिक कर देना है। कलर इज लाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हमने क्लिक कर दिया, स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक कर देना है। उसके बाद घर से ब्लर पर क्लिक कर देना है। घर से ब्लर पर क्लिक करने के बाद इसको 500 कर देना है।
आप अपना वीडियो के हिसाब से कितना भी कर सकते हैं। फीडबैक करेंगे उसके बाद एक्सप्लोर गामामा पर क्लिक कर देना है, अपना वीडियो के हिसाब से जितना भी कर सकते हैं इसको। इसको माइनस 20 कर लेना है। आप वीडियो के हिसाब से अपना जितना भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको 900 कर लेंगे। और नीचे वाला है ओफेस्ट पे क्लिक करेंगे, इसको माइनस 10 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पर टच कर देना है। स्क्रीन पर टच करने के बाद फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर से चरकुट वाला पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कलर इस फाइल पे क्लिक कर देना है, इसमें वाइट कलर लेंगे। वाइट कलर लेने के बाद इसको जूम कर देंगे। जूम करने के बाद ब्लेंडिंग इज ओपेसिटी पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करेंगे, डिफरेंस के आगे ऊपर में है कॉन्ट्रास्ट, उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है, आपको बता दे रहा है फर्स्ट नंबर में, इसको क्लिक कर देना है। हाली ने हमारा वीडियो बन हो चुका है तैयार, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं किस तरह वीडियो एडिट हो चुका मस्त। और उसके बाद ये जो मतलब इतना पे छूट गया, इसको इधर कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे दाब ले रहना, इसको तीनों कॉपी करना। कॉपी करने के बाद फाइनली आप वीडियो के एंड तक आना, वीडियो का एंड आने पर इस पर क्लिक कर देना, आपको दिखा रहा है कि इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, देख सकते गाइस हमारा यहाँ पर आ चुका है। और आप भी इस तरह की वीडियो एडिट करना चाहते हैं, हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद वीडियो को यहाँ से सेव कर लेंगे, यहाँ पे तीर वाला आइकन है, उससे वीडियो को सेव कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।